मतलब कभी भी शिकार हो सकते हैं सांप वगैरह का, पूरा फट गया है ज़मीन बारिश ना होने की वजह से। क्योंकि गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, वापस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं और फिर से मैं निकल पड़ा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ राप्ती नदी पर और अभी बंदे पर चल रहा हूँ और मैं रोड दिखाता हूँ कैसा है। तो ये देखें गाइस, ये पूरा जो छोटा छोटा पेड़ लगा हुआ है ये पूरा मतलब आके ढक गया है, पूरा रोड पूरा ढक गया है। और देख सकते हैं पतला सा रोड है, तो इसको साफ भी नहीं कराया गया है, तो इसकी वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और आप राप्ती नदी देख सकते हैं, ना अभी घट रही है ना बढ़ रही है, अभी वैसे के वैसे ही है। और मौसम भी देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, पूरा ब्लैक ब्लैक सा बादल हो रखा है और कल से ही ऐसे ही पूरा ब्लैक ब्लैक सा बादल हो रखा है चारों तरफ का। और बारिश नहीं हो रही अभी आप जैसा देख सकते हैं। और ये ईदगाह है, कुछ कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, तो आप चारों तरफ का सीन देख सकते हैं कुछ ऐसा आ रहा। तो गाइस आप देख सकते हैं इस रोड पर चलना मतलब खतरे से खाली नहीं है, आप मतलब कभी भी शिकार हो सकते हैं सांप वगैरह का। आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक रोड है ये, पूरा जहां तक आपको ये बंदा मिलेगा पूरा ऐसे ही रोड देखने को मिलेगा। और गाइस मैं आपको चलकर जो धान का बिया है ना ये दिखाता हूँ, बारिश ना होने की वजह से इसका क्या हाल हो रहा है। तो गाइस ये देखें, ये जितना भी दिख रहा है सब बारिश ना होने की वजह से सब पीला पड़ जा रहा है, सारा बिया पीला हो जा रहा है। मतलब अगर ऐसे ही एक हफ्ता अगर बारिश नहीं हुई तो ये सब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा पीला पड़ा जा रहा है। और मौसम मतलब हो रखा है, कल से ही मौसम ख़तरनाक हो रखा है बारिश वाला, लेकिन बरस नहीं रहा, बरसात नहीं हो रही, तो कुछ ऐसा सीन है आप देख सकते हैं। तो गाइस इस पे चलना ऐसा सीन है ना कि मतलब आप इसे जैसे चल रहे हैं इधर से या इधर से सांप वगैरह कोई भी जानवर कब आपको आकर बाइट मार दे आपको पता नहीं चलेगा, और ना ही आप भाग सकते हैं। तो गाइस आप ये देखें जो नदी का किनारा है और इसका जो डिप है ना, देखिए कितना ज़्यादा नीचा है, कितना ज़्यादा गहरा है, कम से कम होगा 10 से 12 फीट होगा ये जो किनारा दिख रहा है नदी का, जो पानी का लेवल दिख रहा है यहाँ तक, और उसके जो नीचे है कितना गहरा होगा तो जो 4-5 फीट होगा मेरा अंदाज़ा जो होगा। तो जगह पे मैं फ़िलहाल आया हूँ, खड़ा हूँ ना, इस जगह को करबला बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर एक सरकारी नल लगा हुआ है और ये पीपल का पेड़ है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है और काफ़ी मशहूर भी है, और इसी की वजह से मेरे ख्याल से इस जगह को करबला बोलते हैं। या कुछ ऐसा सीन है इधर का आप देख सकते हैं, और वो जो दिख रहा है गांव उसको कटरा गांव बोलते हैं। और आप व्यू चेक करो गाइस, क्या ज़बरदस्त व्यू देखने को मिल रहा सुबह सुबह का। अभी धीरे धीरे सनराइज होने लगा है। واغفر له